न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के बिजनेस पेज की ये कथित क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। अखबार की इस कटिंग में दिख रही हेडिंग के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार को 2.8 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। लेखक अशोक कुमार पांडे ने अखबार की ये कटिंग ट्वीट करते हुए लिखा कि इस खबर में जीरो गिनिए और बताइए कि टाइम्स पर ईडी का छापा कितने दिनों में पड़ जाएगा। कांग्रेस लीडर पंखुड़ी पाठक और आरएलडी नेता व पूर्व पत्रकार प्रशांत कनौजिया ने भी अखबार की ये कटिंग ट्वीट की। ये न्यूज़पेपर क्लिप शेयर करने वालों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस, बिहार यूथ कांग्रेस, कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI तमिलनाडु, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल, दमन और दीव कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस नेता विनय कुमार दोकनिया, DMK नेता TRB राजा शामिल है। लेकिन इस क्लिप को गौर से देखने पर ही मालूम हो जाता है कि ये एडिट की गई है। खबर में शब्दों में 2.8 लाख करोड़ लिखा है, लेकिन हेडिंग में 28 के आगे 14 जीरो लगे हैं, जिसका मतलब 2.8 लाख करोड़ होता है। इस खबर की बायलाइन में द टाइम्स ऑफ इंडिया के नेशनल एडिटर पंकज डोभाल का नाम है। उनकी ट्विटर प्रोफाइल चेक करने पर हमें 2 अगस्त का ये ट्वीट मिला। पंकज डोभाल ने टाइम्स बिजनेस का ये पेज ट्वीट किया था, जिसकी डिजाइन वायरल कटिंग की डिजाइन से मेल खाती है। हालांकि दोनों में अलग अलग खबर है। असल पेज में 1.5 लाख करोड़ में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की खबर है, यानी कांग्रेस नेताओं ने टाइम्स बिजनेस की एडिटेड न्यूज़पेपर क्लिप शेयर करते हुए 5G स्पेक्ट्रम में बड़ा घोटाला होने का दावा किया।